हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो हमारी वन शॉट रिवीजन की सीरीज स्टार्ट मैंने की थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन, उसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सेकेंड पार्ट है वन शॉट रिवीजन का, उसमें हम एनालिटिक फंक्शन, मेन हमारा रहेगा एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कब हमारा एनालिटिक फंक्शन बनता है ये हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, और इससे जितने भी रिलेटेड एनालिटिक फंक्शन से हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि कोची रीमान इक्वेशन एनालिटिक फंक्शन के होती है वो हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, नेसेसरी कंडीशन फॉर द एनालिटिक फंक्शन, सफिशियंट कंडीशन फॉर द एनालिटिक फंक्शन, फिर हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट और इसका एनालिटिक फंक्शन के साथ में रिलेशन, ये सब चीजें आज के इस वन शॉट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिटिक फंक्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बनता है डिफरेंसिबिलिटी से। मैंने आपको लिमिट बताई थी एफ जेड फंक्शन के लिए, कॉन्टिन्यूटी बताई थी और डिफरेंसिबिलिटी बताई थी, और डिफरेंसिबिलिटी में हमने डिस्कस किया था कि हम पाथ लेकर के हम चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की पाथ पर ही सारी डिपेंड करती है ना। अगर अलग अलग पाथ पर अलग अलग वैल्यू आती है, ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। अगर किसी भी पाथ से जाने पर इक्वल लिमिट आपको मिलती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के केस में, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है वो मेनली डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट से ही बनाएंगे हम। चलिए देख लेते हैं क्या इसकी डेफिनेशन होती है। लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन इन ए डोमेन डी। एफ जेड कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है जो किसी डोमेन डी में डिफाइन है, देन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट द पॉइंट जेड नोट, ठीक है। तो एफ जेड फंक्शन है वो जेड नोट पॉइंट पर हमारा एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा इफ एफ जेड इज डिफरेंशियबल एट जेड इक्वल टू जेड नोट। पहली कंडीशन है कि एफ जेड को जेड इक्वल टू जेड नोट पॉइंट पर डिफरेंशियबल होना चाहिए, एंड ऑल्सो एनी स्मॉल नेबरहुड ऑफ जेड नोट, ठीक है। मतलब अगर एफ जेड फंक्शन है आपके पास और आपकी आपको उसको एनालिटिक बताना है, तो पहली कंडीशन तो है एनालिटिक बताना है किसी पॉइंट जेड नोट पर, तो पहली कंडीशन है कि इसको जेड नोट पॉइंट पर डिफरेंशियबल होना पड़ेगा। मतलब जेड नोट पॉइंट पर अगर आप डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हैं, किसी भी पाथ से जाने पर आपको सेम लिमिट मिलनी चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन है कि हमारा फंक्शन पहले क्या होना चाहिए, जेड नोट पॉइंट पर डिफरेंशियबल होना चाहिए। फिर यहां पर जो कंडीशन एड हुई है वो दूसरी कंडीशन ये एड है कि अगर आप छोटा सा नेबरहुड इसका बनाते हो, ठीक है, मान लो मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 0-1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, तो छोटा सा नेबरहुड बनाते हो, जितने भी इसके पॉइंट होंगे आसपास वाले, ये नेबरिंग पॉइंट जितने भी होंगे, उन सब पर भी फंक्शन क्या होना चाहिए, उन सब पर भी फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए, ठीक है, तब हम कहते हैं कि एफ जेड हमारा एनालिटिक है। मतलब डिफरेंशियबिलिटी के डोमेन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, एफ जेड को एनालिटिक किसी पॉइंट पर अगर दिखाना है तो पहले तो उस पॉइंट पर डिफरेंशियबल होना चाहिए, जो उसके आसपास के पॉइंट है उन पर भी फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए, तब फंक्शन एनालिटिक कहलाता है। यानी कि इससे आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि एफ जेड अगर एनालिटिक है तो एफ जेड डिफरेंशियबल होगा ही होगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी को ही एक्सटेंड करके हमने एफ जेड के एनालिटिक डेफिनेशन को डिफाइन किया है। तो अगर एफ जेड एनालिटिक है तो फंक्शन आपका डिफरेंशियबल होगा ही होगा, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो मे और मे नॉट बी ट्रू। अगर आपका एफ जेड डिफरेंशियबल है, ठीक है, तो एफ जेड फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके हम आगे केसेस डिस्कस करेंगे। एनालिटिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें हमें जेड नोट पर डिफरेंशियबिलिटी यानी कि पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट निकालनी होगी, है ना, और फिर हमें उसके नेबरिंग पॉइंट तो इनफाइनाइट होते हैं, कितने पॉइंटों पर हम डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे, तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन कुछ थ्योरम्स बनी है जो आपके सिलेबस में है। पहली कंडीशन है आपकी नेसेसरी कंडीशन फॉर द एनालिटिक फंक्शन। नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि अगर एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक है, तो इसका मतलब उसमें डिफरेंसिबिलिटी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, क्योंकि डिफरेंसिबिलिटी को ही हमने यूज करके एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन किया है, है ना। अगर फंक्शन हमारा एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन है, देन इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, यानी कि कोची रीमान इक्वेशन। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोची रीमान इक्वेशन होती है आपकी, अगर यू इसका रियल पार्ट है एफ जेड का, वी इसका इमेजिनरी पार्ट है,
तो हम u का x के रेस्पेक्ट में और v का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरा u का y के रेस्पेक्ट में और v का x के रेस्पेक्ट में एक माइनस साइन इसमें होता है, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर हो, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर हो। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हो शॉर्ट नोटेशन में कि यू एक्स जो है वी वाई के बराबर होना चाहिए और यू वाई जो है वो माइनस वी एक्स के बराबर होना चाहिए। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो हमेशा कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कहा है कि इफ एफ जेड, एक फंक्शन दिया है एफ जेड इज एनालिटिक, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो आपको यहां पर ए की और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो ऊपर नेसेसरी कंडीशन का, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है, कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। सोल्यूशन इसका देखिए आप, जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन है आपका एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस आई इंटू बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। और जैसे कि आप जानते हैं कि एफ जेड जो है यू प्लस आई वी के बराबर होता है, तो बोथ साइड से हम कंपेयर करके रियल पार्ट को रियल पार्ट से, है ना, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करके, पार्ट का मतलब हम आई नहीं लेंगे इसमें, उसके साथ वाला लेंगे, रियल पार्ट होता है जिसमें आई नहीं होता, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जिसमें आई होता है लेकिन हम आई को नहीं, आई के साथ वाले को लेते हैं, है ना। इधर से ये लिया जाएगा और इधर से ये लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगी यू की वैल्यू, यू की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, और वी की वैल्यू हमारी आएगी बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है। अब अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक दिया है तो इसका मतलब ये कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम इसमें, है ना। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, चूंकि एफ जेड हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है, देन इट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, कोची रीमान इक्वेशन। और कोची रीमान इक्वेशन होती है आपकी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर आप निकालेंगे तो वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होना चाहिए, और अगर आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो वो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। यहां पर डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रखेंगे, u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, u का y के रेस्पेक्ट में, v का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में, ये चारों वैल्यूज निकाल के यहां पे पुट करेंगे। तो u का पहले करते हैं x के रेस्पेक्ट में, u का अगर आप x के रेस्पेक्ट में करते हो तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ठीक है। ए वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है x के रेस्पेक्ट में, जीरो होगा। फिर माइनस टू एक्स वाई का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस टू वाई आएगा। फिर इक्वल टू v का करेंगे आप y के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, bx स्क्वायर का जीरो कॉन्स्टेंट है, माइनस y स्क्वायर का माइनस टू वाई, और वहां से आपको मिलेगा y के रेस्पेक्ट में 2x। तो अगर दोनों को सिंप्लीफाई किया जाए तो 2x माइनस टू वाई इधर मिला और 2x माइनस टू वाई इधर मिला, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल होती है, विच इज ट्रू। यहां से हमें ab की तो वैल्यू नहीं मिली, लेकिन कंडीशन आपको मिल गई कि दोनों वैल्यू इक्वल है। ए बी की वैल्यू इससे नहीं मिली तो इससे मिलेगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, यू का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो एक्स स्क्वायर का जीरो, और यहां से आपको मिलेगा टू ए वाई, और यहां पे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस वी का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में यहां से मिलेगा टू बी एक्स, है ना, और यहां से आपका y जो है वो कॉन्स्टेंट होगा माइनस जीरो, और यहां से x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस के टू वाई मिलेगा। तो इस तरीके से हमें u का करना है y के रेस्पेक्ट में और v का हमें करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब जो कॉमन होगा कॉमन लेके काट देंगे, यहां पर देखा जाए तो टू कॉमन लेके कट जाएगा, इधर से मिलेगा आपको ए वाई माइनस एक्स, और इधर से आपको मिलेगा इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, टू को कॉमन लेके काट देंगे, माइनस के बी एक्स और माइनस के वाई आपको मिलेगा, क्योंकि टू तो हमने कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे,
इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं और सही करके, ए वाई माइनस एक्स, और इधर भी मैंने y की टर्म को पहले लिखा माइनस वाई माइनस बी एक्स। अब हम बोथ साइड से कंपेयर करेंगे, अगर यहां पर y के कोफिशियंट को कंपेयर करें, ठीक है, तो इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू आएगी माइनस वन, ठीक है। और अगर यहां से इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करें तो x का कोफिशियंट कंपेयर करना, इधर से माइनस वन उधर से माइनस बी, और सॉल्व करके आपको b की वैल्यू मिलेगी वन। इससे आपको a की वैल्यू मिली माइनस वन और b की वैल्यू मिली वन, ठीक है। तो अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो कोची रिमान इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। उस तरीके से हम ए बी को फाइंड कर देंगे। अब इसके कन्वर्स पार्ट पर चलते हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन कोची रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं किसी पॉइंट पर वो एनालिटिक भी हो जाए, वो हो भी सकता है मे और मे नॉट बी एनालिटिक। मतलब इस कंडीशन का जो कन्वर्स है, नेसेसरी कंडीशन का जो कन्वर्स है वो मे और मे नॉट बी ट्रू, है ना। इसके लिए मैंने आपको बताया कन्वर्स ऑफ द नेसेसरी कंडीशन इज नॉट ट्रू, है ना। इफ एफ जेड सेटिस्फाई कोची रिमान इक्वेशन एट एनी पॉइंट, अगर एफ जेड जो है हमारा किसी पॉइंट पर कोची रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन एफ जेड मे और मे नॉट बी एनालिटिक। और एनालिटिक का मतलब हम ऑलरेडी उसमें डिफरेंसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, एनालिटिक में डिफरेंसिबिलिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। डिफरेंसिबिलिटी की डेफिनेशन को एक्सटेंड करके हमने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहां पर मैंने बताया कि अगर एफ जेड हमारा सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है किसी पॉइंट पर, तो जरूरी नहीं है वो फंक्शन एनालिटिक हो, वो हो भी सकता है नहीं भी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ एनालिटिक फंक्शन एट द ओरिजिन, एफ जेड सेटिस्फाई कोची रिमान इक्वेशन एट ओरिजिन, ओरिजिन पर कोची रिमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी बट नॉट एनालिटिक और डिफरेंशियबल एट द ओरिजिन, लेकिन एनालिटिक या डिफरेंशियबल ओरिजिन पर नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन पर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आगे जाके हम सफिशियंट कंडीशन भी पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं, ओरिजिन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं जहां पे ओरिजिन पूछा नहीं गया, जहां पर ओरिजिन पूछा गया वहां पर ओरिजिन लगाते नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना है, अगर पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन दिया है तो आपको ये दो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एट द ओरिजिन, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला होता है और यू का वाई के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एक्स, यहाँ पे होता है यू जीरो वाई माइनस यू जीरो जीरो अपॉन वाई, वाई के रेस्पेक्ट में वाई डिवाइड में आता है, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स डिवाइड में आता है, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स की लिमिट होगी, वाई के रेस्पेक्ट में वाई की लिमिट होगी। तो ये दो ओरिजिन पर आपको पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करने, क्योंकि कोची रिमान इक्वेशन हम ओरिजिन पर अगर निकालेंगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो यही फॉर्मूले हमें कोची रिमान इक्वेशन के लिए यूज करने होंगे। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये हमारा। प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाय, ये फंक्शन आपको दिया है एफ जेड इक्वल टू जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड, और ये फंक्शन आपको डिफाइन दिया है कि एफ जीरो की वैल्यू यहां पर कितनी है, जीरो है। तब आपको यहां पर प्रूफ करना है कि यहां पर कोची रिमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई होती है, कोची रिमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई होती है, येट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एफ डैश जीरो, जीरो पर जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है यानी कि डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो उसका मतलब वो एनालिटिक भी नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, यहां पर कभी कभी क्वेश्चन में एफ जेड के लिए तो एनालिटिक वर्ड आएगा, डिफरेंशिएबल वर्ड आएगा, दोनों में सेम काम करना है जो मैं बताने वाला हूं। इसमें करना क्या होता है, आधा क्वेश्चन में आपको करना है कोची रिमान इक्वेशन ओरिजिन पर निकालनी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कोची रिमान इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो जाती है। फिर हमें डिफरेंसिबिलिटी, डिफरेंसिबिलिटी जो पाथ वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था उसको हमें लेकर के यहाँ पर डिफरेंसिबिलिटी चेक करनी है, और ये देखना है कि फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो प्रूफ करना है यहाँ पर कि फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, ओरिजिन पर कोची रिमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन में जो आपको गिविन फंक्शन है वो लिख लेते हैं, गिविन है आपको फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार का होल स्क्वायर अपॉन जेड, ये तो तब है जब जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ जीरो की वैल्यू आपको दी है जीरो, ठीक है। इसको हम इक्वेशन वन डाल देते क्योंकि ये आगे तक यूज होगी।
तो अब सबसे पहले हम कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे ओरिजिन पर, तो उसके लिए हम इसको एक्स में बदलेंगे। नाउ जो एफ जेड फंक्शन आपको गिवन है वो गिवन है जेड बार का होल स्क्वायर अपॉन जेड। इसको अगर हम थोड़ा सा लिखे तो जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई और जेड बार की वैल्यू होगी एक्स माइनस आई वाई ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर यू और वी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एफ जेड यू और यू प्लस आई वी के बराबर होता है, तो इसको हमें थोड़ा सा रेशनलाइज करना होगा क्योंकि नीचे वाला जो आई है वो हमें एलिमिनेट करना होगा। आई को एलिमिनेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो नीचे है एक्स प्लस आई वाई इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई और इसके कॉन्जुगेट से मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा। ऐसा करने से ऊपर जो है ऊपर बन जाएगा एक्स माइनस आई वाई की पावर थ्री और नीचे बन जाएगा एक्स प्लस आई वाई यानी कि ए माइनस बी और एक्स माइनस आई वाई और ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू यहां पर आई वाई है, ए की वैल्यू एक्स है और ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी की पावर थ्री का। ए माइनस बी की पावर थ्री का फॉर्मूला होता है ए की पावर थ्री माइनस बी की पावर थ्री माइनस थ्री ए बी और इंटू ए माइनस बी। ये मैंने a माइनस बी की पावर थ्री का फॉर्मूला ऊपर लगाया क्योंकि जब तक हम इसमें हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग नहीं करेंगे यू वी नहीं निकल पाएगा। तो ये जो एफ जेड है इसको तो मैं लेफ्ट में लिख देता हूं यू प्लस आई वी, ठीक है, ये एफ जेड की वैल्यू होती है। और यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई अगर करें तो ये नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन अगर यहां पर रखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस होकर वाई स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाली टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं रफली, है ना, ऊपर मिलेगा आपको x की पावर थ्री और यहां से आपको मिला माइनस i की पावर थ्री y की पावर थ्री और यहां से आपको मिला माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर थ्री एक्स स्क्वायर इंटू आई वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री एक्स और i का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करके मिलेगा, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए इन दोनों टर्म को लेते हैं, है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे माइनस वन तो यहां से आपको मिलेगा रियल पार्ट एक्स की पावर थ्री, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी तो ये माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है। इन दोनों से देखा जाए तो यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे माइनस वन, अगर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो एक माइनस पहले से एक माइनस आई बनेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से आपको आई कॉमन मिलेगा, है ना, और इसको आई को कॉमन लेकर के यहां से आप लिख सकते हैं y की पावर थ्री और यहां से भी i कॉमन आएगा, i कॉमन लेकर के माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग आ जाएगा। ये ध्यान रखना i स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है जो कि मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में यूज की है, तो उसको सिंप्लीफाई करके हमें ये मिल जाएगा। अब इसमें हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को निकालने के लिए इसको थोड़ा सा और अलग अलग कर लेते हैं। यहां से आपको मिलेगा यू प्लस आई वी लेफ्ट साइड में और इधर आप लिख सकते हैं x की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा, यहां पर आपको मिलेगा y की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम बोथ साइड से कंपेयर करके यू वी की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, है ना, ऑन कंपेयरिंग अगर हम बोथ साइड से कंपेयर करें तो ये हो जाएगी u की वैल्यू रियल पार्ट, ये हो जाएगी v की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट। तो u हमें मिलेगा x की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां से आपको मिलेगा v की वैल्यू और v होगा आपका y की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो यू वी है दोनों एक्स वाई के फंक्शन है तो हम इस यू को और v को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं v ऑफ एक्स वाई क्योंकि दोनों एक्स वाई के फंक्शन है। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर टू, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। तो इक्वेशन टू और थ्री को फाइंड करने के बाद अब हमें यहां पर पहले कोची रीमान इक्वेशन फाइंड करनी, कोची रीमान इक्वेशन एट ओरिजिन पर जो हमारे फॉर्मूले होता है डेरिवेटिव का वो होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स
इक्वल टू ऊपर बताया था मैंने आपको लिमिट x टेंस टू जीरो u ऑफ x जीरो माइनस u ऑफ जीरो जीरो और अपोन में होता है x। सेम तरीके से डेल u अपोन डेल y की वैल्यू होती है लिमिट y टेंस टू जीरो और u ऑफ जीरो y माइनस u ऑफ जीरो जीरो और अपोन में y। तो ये दो फॉर्मूले आपके पार्शियल डेरिवेटिव एट द ओरिजिन, जब भी ओरिजिन की बात करेगा तो यही फॉर्मूले आपको लगा करके पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। कुछ स्टूडेंट इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज रॉन्ग, समझ के चलिएगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन है, फॉर ऑल जेड के लिए हम नहीं वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए आप ओरिजिन के फॉर्मूले लगाएंगे जब ओरिजिन पॉइंट दिया होगा, जब भी जीरो दिया होगा आपको जेड इक्वल टू, तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स जीरो, यू एक्स जीरो निकलेगा इस इक्वेशन टू से, है ना। अगर हम यहां पर x को तो x ही रखे और y को जीरो रख दे तो यू एक्स जीरो की वैल्यू मिल जाएगी। यू एक्स जीरो की वैल्यू आपकी आएगी x को x रखना है और y को जीरो, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो यहां पर x वैल्यू आएगी, तो x रख देता हूं। यू ऑफ जीरो जीरो, चूंकि आपको ऊपर ना f जीरो की वैल्यू जीरो गिवन है, अगर f जीरो की वैल्यू जीरो गिवन है तो इसका मतलब u प्लस आई वी, u भी जीरो होगा और v भी जीरो होगा एट द ओरिजिन। तो ये आपको हमेशा याद रखना, अगर f जीरो की वैल्यू जीरो गिवन है तो f जीरो की वैल्यू को, f जीरो की वैल्यू अगर जीरो गिवन है तो u भी जीरो होगा एट द जीरो जीरो पर और v भी जीरो होगा जीरो जीरो पर, ठीक है। तो u जीरो जीरो की वैल्यू जीरो होगी और नीचे x है, x से x डायरेक्टली कट जाएगा और x x डायरेक्टली कटेगा और आपको ये वन वैल्यू दे देगा। फिर यहां पर आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, ठीक है, u ऑफ जीरो वाई, इसमें अब हमें क्या करना है, x को जीरो रखना है और y की वैल्यू को हमें y रहने देना है। x को जीरो रखने पर ऊपर मिलेगा जीरो माइनस जीरो और नीचे मिलेगा जीरो प्लस वाई स्क्वायर, जिसको सॉल्व करके जीरो आएगा, तो ये जीरो माइनस जीरो अपॉन वाई आफ्टर सॉल्विंग ये आपका टोटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा टोटल जीरो होगा। अब हम निकालेंगे यहां पर डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू सेम फॉर्मूलों से, ठीक है। बस एक्स का काम वाई करेगा इस बार, सॉरी यू का काम वी करेगा इस बार, x टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा v ऑफ x जीरो। तो इन फॉर्मूलों में आपको u की जगह पर v रखना है, माइनस v जीरो जीरो और डिवाइड बाई x और लिमिट y टेंस टू जीरो और u ऑफ सॉरी v ऑफ जीरो y और माइनस v ऑफ जीरो जीरो और डिवाइड बाई y। तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने ऊपर बताए थे u वाले, इसमें ही हम u को v कर देंगे तो ये दोनों फॉर्मूले v के लिए बन जाएंगे। अब सारी वैल्यू उसमें भी रखी जाएगी, वी एक्स जीरो चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, दोनों हमने फाइंड किए हैं यहां पर फ्रॉम, एक्सप्लेनेशन जितना करोगे ज्यादा अच्छा है टू। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखा डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, ये एक्सप्लेन करके दिखाना होगा और लिमिट लगानी याद से, लिमिट भी भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते तो लिमिट लगाना भूल जाते हैं, पता ही नहीं है कि चलना क्या है, तो लिमिट को याद से लिखिएगा, ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन जरूर करना है। उसके बाद वी ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू इससे निकलेगी, इसमें हम क्या करेंगे, x को x रहने देंगे और x को x रहने देंगे और y को जीरो रख देंगे, तो जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो प्लस वाई ये आपको जीरो वैल्यू देगा, ठीक है, और ये हमारा जीरो ही होगा, अपॉन में x सॉल्व करके जीरो आएगा। और यहां से आपको v ऑफ जीरो y की वैल्यू निकालनी है, मतलब x को जीरो रखना है और y को y रहने देना है, तो y की पावर थ्री तो ऊपर से मिला माइनस जीरो और नीचे से मिलेगा x को जीरो रखने पर जीरो प्लस वाई स्क्वायर, तो आफ्टर सॉल्विंग ये आपको y वैल्यू देगा, तो लिमिट y टेंस टू जीरो और ये आपको मिलेगा y माइनस जीरो अपॉन y और आफ्टर सॉल्विंग ये वन वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चारों डेरिवेटिव हमारे निकल गए। अब आप देखेंगे कि ये हमारी इक्वेशन आराम से सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। देयरफोर कोची रीमान इक्वेशन होती है आपकी, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होना चाहिए माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। तो यहां पर दोनों वैल्यू रखे देखो आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है वन और डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू है वन, यानी कि पहला रिलेशन सेटिस्फाई।
ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखो जीरो, ठीक है, माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखो जीरो, क्योंकि दोनों जीरो है तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी सेटिस्फाई। तो आप लिख सकते हैं यहां पर देयरफॉर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, इसका मतलब यहां पर जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो ओरिजिन पर सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ये फंक्शन ओरिजिन पर एनालिटिक या डिफरेंशियबल नहीं है, उसके लिए अब हमें डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है। इतना काम करोगे तो 3.5 मार्क्स यानी कि आधे नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 मिलेंगे, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 आपको यहां तक मिल जाते हैं। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है एट द ओरिजिन, नाउ डिफरेंशियबिलिटी एट ओरिजिन या z इक्वल टू जीरो। डिफरेंशियबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो यहां पर आपको पता है, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट और डिवाइड बाय z माइनस z नॉट। चूंकि हमें ओरिजिन पे वर्क करना है, z नॉट की वैल्यू यहां पर जीरो होगी तो उसमें हम z नॉट की वैल्यू को जीरो रख देंगे, तो लिमिट z टेंड्स टू जीरो और अपॉन में ये एफ जेड माइनस एफ जीरो और जेड माइनस जीरो। अब हमें यहां पर सबकी वैल्यू रखनी होती है ना, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, एफ जीरो की वैल्यू ऊपर आपको गिवन है जीरो और एफ जेड की वैल्यू गिवन है आपको जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड और एक जेड नीचे से मिल जाएगा। आप चाहे तो स्क्रॉल करके दिखा देता हूं आपको, एफ जेड की वैल्यू है जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड, इक्वेशन वन डाला था मैंने इसको, यस एफ जेड की वैल्यू जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड। तो मैंने यहां पर एफ जेड की वैल्यू रखी, एफ जीरो की वैल्यू रखी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिलेगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो, ऊपर हो जाएगा जेड बार का स्क्वायर और ये जेड मिलकर के ये भी जेड का स्क्वायर। अब हमें इस पूरे के पूरे फंक्शन को, ये जो हमारा लिमिट के अंदर फंक्शन आया, इसको पूरा एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। इससे आपको मिलेगा लिमिट जो जेड है वो एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है, तो उसको हम पॉइंट फॉर्म में लिख देंगे एक्स कोमा वाई, जीरो को हम लिख देंगे टेंस टू जीरो कोमा जीरो और जेड बार की वैल्यू होती है एक्स माइनस आई वाई, नीचे जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई। और चूंकि हमें यहां पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, इक्वेशन स्टार कह देता हूं उसको मैं, है ना, डिफरेंशियबिलिटी हमें यहां पर चेक करनी है तो हमें यहां पर पाथ लेने होंगे, है ना, और पाथ का मैंने डिफरेंशियबिलिटी में कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा पहला पाथ y इक्वल टू mx लेंगे, अगर लिमिट m की फॉर्म में आ जाए तो दूसरा पाथ लेने की नीड नहीं है, और अगर m की वैल्यू m की फॉर्म में ना आए, लिमिट कुछ और आ जाए तो आपको दूसरा ऐसा पाथ चूज करना होता है कि लिमिट डिफरेंट आए, है ना, उसका तरीका मैंने आपको सिखाया था। तो यहां पर मैं पहला पाथ लेता हूं y इक्वल टू mx, टेक z टेंड्स टू जीरो अलोंग द पाथ y इक्वल टू mx, अगर y को हम यहां पर mx रखते हैं इक्वेशन स्टार में, स्टार गिव्स, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगी जो डिफरेंशियबिलिटी वाली है, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट और f z माइनस f z नॉट और z माइनस z नॉट। राइट हैंड साइड में हम y को mx रख देंगे, y को mx अगर रखते हैं तो ये मिलेगा x माइनस आई एम एक्स का होल स्क्वायर ऊपर से और x प्लस आई एम एक्स का होल स्क्वायर नीचे से, और चूंकि पूरा फंक्शन x में बदल गया तो हम y की लिमिट को एलिमिनेट कर देंगे, x की ही लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू जीरो। अब अगर देखा जाए तो ऊपर से भी x कॉमन आएगा, नीचे से भी कॉमन आएगा, लेकिन पावर टू होने की वजह से वो बाहर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, x कॉमन लिया पावर टू होने की वजह से एक्स स्क्वायर बनेगा, अंदर बचेगा वन माइनस एम का होल स्क्वायर, यहां पर भी x कॉमन लेंगे तो पावर टू के साथ बाहर आएगा वन प्लस आई एम का होल स्क्वायर, ऐसा करने से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और बिना लिमिट रखे ही आपकी जो है एम की फॉर्म में लिमिट आ जाएगी, एक्स इसमें से एलिमिनेट हो गया, एक्स को एलिमिनेट करना होता है, लिमिट एक्स की है तो इसका मतलब एक्स हमारा लिमिट रखने के बाद नहीं दिखना चाहिए, है ना, एक्स एलिमिनेट होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं वैल्यू जो है एम की फॉर्म में आ गई, और अगर एम की फॉर्म में आ गई तो यहां पर हमें दूसरा पाथ लेने की नीड नहीं है, हम कह देंगे ये वैल्यू m पर डिपेंड करती है, m का मतलब डायरेक्टली पाथ पर डिपेंड करते हैं, जितने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू m की यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, उतने ही डिफरेंट डिफरेंट पाथ बनेंगे और उतने ही ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आपकी बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, ये पाथ पर डिपेंड करती है,
ये सब बातें आपको लिखनी होगी। देयरफोर लिमिट डिपेंड ऑन पाथ, लिमिट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। दिस इंप्लाइज यहां पे लिख सकते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ m, क्योंकि वैल्यू m पर डिपेंड करता है, m की जितनी वैल्यू रखेंगे उतनी ही डिफरेंट लिमिट आपको मिलेगी। इसका मतलब पाथ पर डिपेंड करते हैं, एक पाथ पर अलग वैल्यू आएगी, दूसरे पर अलग वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो एफ जेड है इज नॉट डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल और साथ में लिख सकते हैं एनालिटिक, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी से ही क्या बनती है, हमारी एनालिटिक की डेफिनेशन बनती है। तो अगर डिफरेंशियबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा। एनालिटिक एट ओरिजिन जेड इक्वल टू जीरो, और दिस इंप्लाइज एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब जो हमारा एफ डैश जीरो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी ओरिजिन आपको दिया होगा, ओरिजिन पे नेचर डिस्कस करना होगा, एनालिटिसिटी डिस्कस करनी होगी, तो आपको उसमें पहले तो कोची रीमान इक्वेशन ओरिजिन पर जो लिमिट वाले फॉर्मूले बताए वो यूज करने हैं, और फिर डिफरेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, जो कि मैंने आपको डिफरेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पहले भी बता रखा है। इसके बाद हमारा होता है सफिशियंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सफिशियंट कंडीशन ये होती है, ठीक है, अभी आपने जो नेसेसरी कंडीशन का कन्वर्स पढ़ा था कि कोची रीमान इक्वेशन तो ओरिजिन पर सेटिस्फाई थी लेकिन फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल एनालिटिक नहीं था, उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया सफिशियंट कंडीशन में। सफिशियंट कंडीशन ये कहती है आपको एनालिटिक फंक्शन की कि अगर w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है वो आपको गिवन है, और ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये सभी के सभी पहले क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। चारों डेरिवेटिव, चारों डिफरेंशिएशन आप करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, चारों डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो, और कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ में कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। जो कोची रीमान इक्वेशन आपकी होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, कॉन्टिन्यूअस और साथ ही साथ में कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो एफ जेड हमेशा एनालिटिक होगा, और एनालिटिक होगा तो इसका मतलब ऑलरेडी उसमें डिफरेंशिएबिलिटी आती है, एनालिटिक होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा एवरीवेयर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है एवरीवेयर, यहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं हो रही है, यहां पे जेड की सभी वैल्यू के लिए बात हो रही है, यानी कि फॉर ऑल जेड के लिए होगा, और फॉर ऑल जेड के लिए आप पर्टिकुलर वाले डिफरेंशिएशन मत लगाना, जो मैंने ओरिजिन वाले फॉर्मूले बताए थे वो यहां पर नहीं लगेंगे, यहां पर आपको सीधा डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि जेड की सभी वैल्यू के लिए बात हो रही है, जेड मतलब एक्स वाई की सभी वैल्यू के लिए बात हो रही है, इसका मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई कांस्टेंट, डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स कांस्टेंट, सिंपल सीधा डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि एवरीवेयर फॉर ऑल जेड के लिए बात हो रही है ना, और इस फॉर्मूले को यूज करके हम डिफरेंशिएबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, एफ डैश जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये फॉर्मूला लगा करके हम एफ डैश जेड भी फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। प्रूव दैट आपको दिया है एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, ये फंक्शन हमेशा हर जगह पर एनालिटिक होगा। देखो पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन की बात नहीं कर रहा है, ये एवरीवेयर की बात कर रहा है। एवरीवेयर का मतलब आपको फॉर ऑल जेड के लिए बात करनी है। अगर एक ओरिजिन की बात करता तो आप जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने ओरिजिन पर बताया था पार्शियल डेरिवेटिव का वो लगाते, लेकिन फॉर ऑल जेड के लिए कर रहा है तो सीधा डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है। ये एनालिटिक तो एवरीवेयर होगा लेकिन एक पॉइंट को छोड़कर, ओरिजिन को छोड़कर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड एफ डैश जेड, एफ डैश जेड भी फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन ये है कि जो यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई है ये चारों के चारों कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, और दूसरा जो कोची रीमान इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक होगा बाय यूजिंग सफिशियंट कंडीशन। तो जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। गिवन फंक्शन हमें यहां पर गिवन है, गिवन फंक्शन इज एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्स और वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लॉग जेड, लॉग जेड का मतलब होता है लॉग एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, और लॉग एक्स प्लस आई वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है।
ये तो आप इसको फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कीजिए, या फिर इसको मैं बता देता हूं कि कैसे बनता है। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसमें एक्स को रख देते हैं आर कोस थीटा और वाई को रख देते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर, और दोनों को डिवाइड करके जो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा आपका आएगा वाई अपॉन एक्स के बराबर। इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। यदि ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करें तो ये हमें मिलेगा लॉग एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू रखने पर आर आ जाएगा कॉमन, अंदर मिलेगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, और कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा बाय यूजिंग आयलर फॉर्मूला, है ना। लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, और ये आप जानते हैं कि ई से लॉग हट जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा लॉग आर, और प्लस यहां से आपको मिलेगा लॉग हटाने पर, लॉग हटाने पर यहां पर मिलेगा आई थीटा। आर की वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू है आपकी लॉग, आर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर वन बाई टू, और प्लस आयोटा थीटा की वैल्यू होगी यहां पर हमारी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, लॉग एम की पावर एन, तो ये वन अपॉन टू इंटू में आ जाएगा, तो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और एफ जेड आप जानते हैं यू प्लस आई वी के बराबर होता है, इस तरीके से हम कंपेयर करके यू वी को इजिली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देयर फोर ऑन कंपेयरिंग, अगर आप बोथ साइड से कंपेयर करते हैं तो यहां से आपको मिलेगी यू की वैल्यू वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से आपको मिलेगी v की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, अब uv निकालने के बाद हमें ये चेक करना है क्या हमारे ux, uy, vx, vy कंटिन्यूअस है, और साथ ही साथ में क्या हमारे कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमारा फंक्शन एनालिटिक या डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, देयरफॉर del u अपॉन del x निकालेंगे, del u अपॉन del x का मतलब 1 अपॉन टू कॉन्स्टेंट, लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे 2x, सिंप्लीफाई करके x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। सेम तरीके से आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं, ऊपर y आ जाएगा नीचे सेम रहेगा। ठीक है, इधर आप निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए आपको टेन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम करेगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है तो वाई अपॉन एक्स का अगेन करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई तो रहेगा कॉन्स्टेंट और 1 अपॉन एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो एक्स स्क्वायर से ये आपको मिलेगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पे मिलेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और आफ्टर सिंप्लीफाई यू विल गेट माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो डेल वी अपॉन डेल वाई में टेन इनवर्स का सेम फॉर्मूला, फिर वाई अपॉन एक्स का अगेन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो वन अपॉन एक्स आएगा, एक्स कॉन्स्टेंट वाई का वन हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो आपको मिलेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें चारों डेरिवेटिव जो है ये आपने फाइंड किए। ठीक है, ये हमारे कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर आपने यहां पर x को जीरो और y को जीरो रख दिया तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और इसमें अगर आप एलोस्पिटल रूल भी लगाते हैं तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इसका मतलब जीरो जीरो पर यह डेरिवेटिव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है हमारे सब जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, ux, uy, vx, vy सब जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ओरिजिन पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो आप लिख देंगे therefore del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x and del v upon del y are continuous except origin, origin मतलब जीरो जीरो से अलग ये सब जगह पर continuous है, and satisfies CR equation, CR equation को भी satisfy करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं del u upon del x जो है
वो बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल वाई के, यू कैन सी। और दूसरा डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो बराबर होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। कोची रिमान इक्वेशन भी यहां पर सेटिस्फाई होती है। इसमें देख लीजिए आप, दोनों को सॉल्व करके एक माइनस का डिफरेंस आया है ना, तो ये माइनस हमारा फॉर्मूले में होता है। तो कोची रिमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक है एवरीवेयर, बस कहां पर नहीं होगा, ओरिजिन पर नहीं होगा। वैसे भी आपको पता है कि जो एफ जेड हमारा लॉग जेड फंक्शन आपको दिया है, एफ जेड जो हमें फंक्शन दिया है, एफ जेड फंक्शन आपको गिवन है लॉग जेड। सिंपल सी बात है, अगर इसमें आप जेड को जीरो रखेंगे तो आपको एफ जीरो की वैल्यू मिलेगी जो कि लॉग जीरो आएगी, और लॉग जीरो की वैल्यू हमेशा माइनस इन्फिनिटी होती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। वो तो आपको फंक्शन को देख के स्टार्टिंग में पता लग जाएगा कि ये जो फंक्शन है आपका ये ओरिजिन पर एग्जिस्ट नहीं करता है ना। इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा आपका एफ डैश जेड, जिसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, लॉग जेड का वन अपॉन जेड। डिफरेंशिएशन कहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफरेंशिएशन आपका ओरिजिन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फंक्शन भी ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेरिवेटिव भी ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ओरिजिन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा कभी भी, है ना। तो ये जो फंक्शन है ये सब जगह पे आपका कॉन्टिन्यूअस है, सब जगह पे कोची रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन किसको छोड़कर, ओरिजिन को छोड़कर। तो आप लिख सकते हैं देयरफोर एफ जेड इज एनालिटिक, ओब्लिक में डिफरेंसिबिलिटी इसमें ऑलरेडी आ जाएगी, डिफरेंसिबिलिटी एवरीवेयर एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो, यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़कर सब जगह पे हमारा एनालिटिक है। तो इस तरीके से आप सफिशियंट कंडीशन को यूज करके प्रूफ कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन आपका एनालिटिक है, कौन सा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर कोची रिमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, है ना। और अगर कोची रिमान इक्वेशन और साथ में कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। एफ डैश जेड भी फाइंड कर सकते हैं। एफ डैश जेड का फॉर्मूला था आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये हमने ऊपर निकाल रखे हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है हमारी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे जो है फैक्टर कर देंगे क्योंकि हमें इसको जेड की फॉर्म में लाना है। जेड की फॉर्म में लाने के लिए नीचे लिख देंगे एक्स माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि अगर इस ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बनेगा। इससे क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा और यहां से आपको मिला वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। देयरफोर एफ डैश जेड जो हमारा आएगा वो आएगा वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू रख देंगे जेड। वो तो आपको पहले से ही पता है कि लॉग जेड का डिफरेंशिएशन वन अपॉन जेड ही आना है, लेकिन आपको इस तरीके से डेफिनेशन को यूज करके प्रूफ करके दिखाना है कि वन अपॉन जेड कैसे आएगा। ध्यान रखना जेड की फॉर्म में इसको बनाना होता है, एक्स वाई की फॉर्म में छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो जब भी आपको सफिशियंट कंडीशन यूज करनी हो एनालिटिक चेक करने के लिए, एवरीवेयर के लिए, फॉर ऑल जेड के लिए, तो आप उसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं और साथ में आपका फंक्शन जो है कोची रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई तो फंक्शन एनालिटिक, और अगर कोची रिमान इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई तो फंक्शन नॉट एनालिटिक। नेक्स्ट में आता है आपका हार्मोनिक फंक्शन, है ना। हार्मोनिक फंक्शन कोई भी यू एक्स वाई एक फंक्शन है, ये आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है, ये हार्मोनिक फंक्शन होगा यदि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लाप्लास इक्वेशन इसके लिए होगी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये लाप्लास इक्वेशन होती है। अगर कोई भी फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हार्मोनिक होगा, और अगर एफ जेड फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन है तो यू वी हमेशा हार्मोनिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर एफ जेड एनालिटिक है तो वे कोची रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये तो पहली कंडीशन है जो कि नेसेसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया था। यहां पर मैंने बताया अगर एफ जेड एनालिटिक है तो यू और वी दोनों हार्मोनिक होंगे, और हार्मोनिक होंगे साथ ही साथ में एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट भी कहलाएंगे, एंड और कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे के हार्मोनिक, यू का हार्मोनिक कंजुगेट वी और वी का हार्मोनिक कंजुगेट यू। तो इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन दो नंबर में आ जाता है जिसमें आपको हार्मोनिक दिखाना होता है और साथ ही साथ में हार्मोनिक कंजुगेट भी फाइंड करना होता है ना।
हार्मोनिक कॉन्जुगेट को फाइंड करने के लिए ये दो कॉन्सेप्ट होंगे आपके। यदि आपको रियल पार्ट यू गिवन हो तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी हम टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं, डीवी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डीएक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डीवाई। और इसमें हम चूंकि फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसमें कोची रिमान इक्वेशन को यूज करके इसको यूज कर लेते हैं आगे। अगर आपको इमेजिनरी पार्ट वी गिवन है तो इमेजिनरी पार्ट वी के लिए हमें यू निकालना होता है इस फॉर्मूले से, जो कि टोटल डेरिवेटिव से निकलेगा, डी यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डीएक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डीवाई। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वी दिया है तो यू फाइंड करना होता है और यू दिया है तो वी फाइंड करना होता है। तो ये हम हार्मोनिक कंजुगेट निकालते हैं इन फॉर्मूले को यूज करके। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको यू फंक्शन यहाँ पर दिया है, सबसे पहले तो इसको हार्मोनिक दिखाना है और साथ ही साथ में हमें इसका हार्मोनिक कंजुगेट वी भी फाइंड करना है और लास्ट में हमें एफ जेड भी बनाना है ना। तो सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, जो आपको गिवन फंक्शन है वो दिया है यू इक्वल टू ई की पावर एक्स कोस वाई। हार्मोनिक दिखाने के लिए दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस वाई तो कॉन्स्टेंट और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, दोबारा करेंगे तो कोस वाई हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा और ई की पावर एक्स का फिर से ई की पावर एक्स आएगा। फिर करेंगे y के रेस्पेक्ट में, अगर y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो e की पावर x कॉन्स्टेंट cos y का माइनस साइन y। फिर से अगर करें तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x कॉन्स्टेंट और साइन y का cos y, ठीक है। एक माइनस पहले से ऑलरेडी बाहर है, आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर दोनों को ऐड कर दें, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को ऐड करें, तो ऐड करके ये आपको जीरो मिलेगा। इसका मतलब जो u है सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, u सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, u जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इंप्लाई u इज हार्मोनिक, u हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो हार्मोनिक दिखाते इस तरीके से, फिर हम निकालते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v होता है जो टोटल डेरिवेटिव से निकलेगा। टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपका होता है dv इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास u की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब हमें कोची रिमान इक्वेशन यूज करनी होगी। कोची रिमान इक्वेशन हमारी होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो बाई करके लिख देंगे इसको हम, इन फॉर्मूलों का यूज करके हम यहां पर इसको यू में बदलेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू है आपकी डेल वी अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो आपको ये डेल यू अपॉन डेल एक्स मिलेगी डीवाई। अब यहां पर दोनों की वैल्यू रख देंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई रखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है माइनस और ये एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन वाई डी एक्स और प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है ई की पावर एक्स कोस वाई डी वाई, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस और एक माइनस यहां पर तो प्लस हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तो ये डिफरेंशिएशन आपका बनेगा ई की पावर एक्स साइन वाई का, बाई पार्ट इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। ई की पावर, क्योंकि यहां पर आप ई की पावर एक्स को एज इट इज रखा या साइन वाई को एज इट इज रखा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स और फिर e की पावर x को एज इट इज रखा साइन y का cos y और y का dy, तो ये आपका इस तरह का से डिफरेंशिएशन बन जाएगा जिसमें आप d की फॉर्म में लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। ये टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, d से d हट जाएगा, v की वैल्यू आएगी e की पावर x साइन y प्लस c। तो ये कॉन्सेप्ट होता है टोटल डेरिवेटिव का, लेकिन इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं क्योंकि ये टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सबसे नहीं बन पाता। तो इसको हम, इस इक्वेशन को मैं दोबारा से सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग ट्रिक। आपको इक्वेशन दी है डी वी इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन वाई और ये डी एक्स और प्लस
ई की पावर एक्स कोस वाई और ये डी वाई, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे वी मिलेगा, यहां पे इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में है, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में है तो साइन वाई तो रहेगा कॉन्स्टेंट, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स प्लस, फिर यहां पर अगर देखें तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, कोस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई और प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। तो ये ट्रिक होती है कि हमारी जितनी भी एक्स वाई की कंबाइंड टर्म होती है उनको हम इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितनी भी एक्स वाई की कंबाइंड टर्म होगी उन सबका इंटीग्रेशन इक्वल आएगा। देखो इस टर्म का भी इंटीग्रेशन सेम आया है, इस टर्म का भी इंटीग्रेशन सेम आया है, ठीक है, फाइनल आंसर आपका ये आना है ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी। तो ट्रिक ये कहती है कि जितनी भी टर्म एक्स वाई की कंबाइन होगी उनका जितनी भी टर्म्स में इंटीग्रेशन आएगा वो इक्वल आएगा, लेकिन उसको एक ही बार लिखना है, आया तो दो बार है, इसको हमें एक ही बार लिखना है ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, ठीक है, आया तो दो बार है लेकिन एक ही बार लिखना है, अगर तीन टर्म बनती है तीन बार इक्वल आएगा लेकिन एक ही बार उसको आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से आप हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक कंजुगेट को फाइंड कर सकते हैं एनालिटिक फंक्शन के लिए। फिर कोची रिमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में कभी कभार पूछ ली जाती है, पोलर फॉर्म मतलब आर और थीटा की फॉर्म में, कार्टेशियन में होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, लेकिन पोलर में होता है डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये कोची रिमान इक्वेशन जो कि दो नंबर में पूछ ली जाती है, इसको आप याद कर लीजिएगा पोलर फॉर्म में। तो आज के इस वन शूट में मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन, उसकी नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, हार्मोनिक हार्मोनिक कंजुगेट एक एक एग्जांपल से बताया है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा वन शूट का वो होगा वेरी इंपॉर्टेंट मिलनेश थॉमसन मेथड, मिलनेश थॉमसन मेथड जहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% बनता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।